पहले तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है, जावेद अली जी हमारे पास आए थे शायद दो हफ्ते हो गए। जी ना, दो हफ्ते पहले आए थे। बहुत ही ज़्यादा दर्द था इनको, बहुत ही ज़्यादा बिना बर्दाश्त किए हुए ऐसे दर्द में ही आए थे। इनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो हमने तुरंत ये पता लगाया कि इनको पित्त की थैली में पथरी है। तो इनको हमने पूछा हिस्ट्री ली कि भाई कितने दिन से आपको दर्द? चार पाँच साल से था। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मरीज जिसको पित्त की थैली में पथरी है तो उनको इतना इंतजार नहीं करना चाहिए जैसे इन्होंने चार पाँच साल बताए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनके केस में हमें बहुत दिक्कत आई, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप ऑपरेशन करा लीजिए। क्यों नहीं आपको ऑपरेशन क्यों करा लेना चाहिए, तो वो मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जब कितनी बार खान साहब आपको दर्द हुआ था? मेरे वो कम से कम कभी भी ज्यादा 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, मतलब इनको कम से कम 20 से ज्यादा बार दर्द हुआ होगा। तो होता क्या है कि जब भी आपको दर्द होता है तो जो पित्त की थैली होती है उसमें सूजन आती है, और वो सूजन की वजह से आपका जो पित्त का जो पित्त की जो थैली है वो आसपास की चीजों से चिपकने लगती है। ठीक है, अब वो जो चिपकन होती है वो बहुत नुकसान करती है हमको जब हम लोग पित्त की थैली को, गॉल ब्लैडर को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम लेप्रोस्कोपी ट्राई कर रहे हैं तो लेप्रोस्कोपी से पहले हमें गॉल ब्लैडर को ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एकदम फ्रीली मिले। बट जिसको जितना ज़्यादा बार दर्द हुआ है तो उसमें उतना ही वो जो पित्त की थैली है चिपकी हुई मिलती है, तो हमें कुल मिला के बहुत दिक्कत सहनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या परेशानी होती थी आपको? तो मतलब जैसे कि दर्द जब शुरू होता था तो बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे मैं पहले आया था यहाँ आपको, मगर अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, आपका सक्सेसफुल लिया ऑपरेशन, और सब के स्टाफ ने, आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा। चलो, ऑल स्टाफ थैंक यू सर, बेस्ट, बस बहुत ज़्यादा। ये जावेद अली जी काफ़ी परेशान थे, और फिर हमने एक्यूट फेज में सर्जरी हमको करनी पड़ी। हालांकि हम लोग एक्यूट फेज में सर्जरी नहीं करते हैं, बट इनकी हालत को देखते हुए हमने 2-3 दिन इनको रखा भी, एंटीबायोटिक भी दिए, और थोड़ा सोचा कि पेन सबसाइड हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो हमें फिर इमरजेंसी में गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी पड़ी। तो हमने इनकी जो सर्जरी है, हमने बोल दिया था कि हम लोग लेप्रोस्कोपी ही ट्राई करेंगे, अगर किसी कारणवश लेप्रोस्कोपी नहीं हो पाती है तो हम चीरा लगा के करेंगे। तो खान साहब से पूछते हैं आपका ऑपरेशन कैसे किया हमने? चेरा लगा के नहीं, वैसे ही दूरबीन वाले, दूरबीन से किया जी, बिल्कुल। बट हमको टाइम लगा उसमें, हाँ टाइम 2 घंटे लग गए थे। हाँ, इसलिए लगा कि गॉल ब्लैडर इतना ज्यादा चिपका हुआ था कि हमने उसको कोशिश किया कि इनका चीरा ना लगे और हम लोग दूरबीन से ही गॉल ब्लैडर को निकाल दें। तो अब गॉल ब्लैडर आपका निकल गया अच्छा खासा, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अलग, बहुत, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने आपको बताया कि आपको 1-1.5 महीने थोड़ा सा चिकनाई और ये सब चीजें कम खानी है, तो कंट्रोल कर पाओगे ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा थोड़ा सा 1-1.5 महीने की बात होती है जी, इस बीच अगर आप कम जितना चिकनाई ले पाएंगे उतना ज्यादा आपकी अच्छा होगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई आपकी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जिनके पित्त की थैली में पथरी है? तो सर उनसे यही कहना चाहूंगा कि मैं जल्द से जल्द अपने पित्त निकलवा लें, वो बेहतर है। हाँ, क्योंकि लोगों को जो क्या मिसकंसेप्शन होती है कि भाई मेरा तो पित्त की थैली निकाल दी है या निकल जाएगी, तो मैं इसलिए सर्जरी नहीं करा रहा, नहीं करा रहा, मैं नहीं खा पाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, डरते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर होता है वो एक बैलून की तरह होता है, और उसका जो काम है, उसका काम है पित्त को यानी बाइल को स्टोर करना। मेनली जो आपका पित्त या बाइल है वो बनता है लीवर में, लीवर से बनेगा और वो सीधा आपकी आंख में चला जाता है, उसका केवल 10% भाग आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 10% यूज नहीं हुआ, इसीलिए वो पित्त आपके पत्थर में कन्वर्ट होने लग गया। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि अगर हम गॉल ब्लैडर को निकाल भी देते हैं तो आपके डाइजेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 1-1.5 महीने के बाद आप सारी चीजें जैसे पहले खाते थे वैसे आप खा सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप मुझे वो दिखा दिए कि लैप्रोस्कोपी से हमने कैसे सर्जरी किया।
इसमें ज्यादा कट भी नहीं लगता। देखो हम यूजुअली 3 छेद से ही सर्जरी करते हैं, बट खान साहब को हमें 4 छेद करना पड़ा, वो इसलिए कि इनका जो पूरा पित्त की थैली थी वो चिपकी हुई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाम क्या था? आबिद। आबिद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जावेद अली जी का और आबिद जी का, जो कि इन्होंने पूरी सर्जरी हमारे यहाँ पे देखी और पूरा रहा और सब लोगों को ऑब्जर्व किया और सबके लिए फीडबैक दिया। इनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई इस बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ? कोई तकलीफ नहीं है, जो भी आए बस बिना किसी सोचे समझे दिल्ली सर्जिकल सेंटर आ जाइए। आर के सिंह जी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली स्टाफ बहुत। मैं तो बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे भाई को बहुत अच्छा कर दिया, बहुत जल्दी 2 दिन में इन्होंने सब कुछ मतलब बहुत जल्दी कर दिया, हमारे को बहुत अच्छा लगा, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। थैंक यू सर का, पूरे स्टाफ का बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।